Hello students, today we are going to discuss about the topic electric charge and electric field. इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के साइड प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए कूलम्स लॉ को लेके, और आज पढ़ने वाला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे पहले हमारा टॉपिक क्या था? चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये हम लोग पढ़े थे इससे प्रीवियस में, राइट। मैंने बताया था आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज पेयर होता है, राइट। इस मान लो कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पेयर है और ये एक न्यूट्रल पेयर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पेयर, इसमें न्यूट्रल पेयर है। जब ये दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में आते हैं तब क्या होता है ना, कुछ चार्ज, कुछ प्री चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं, कहां से? पॉजिटिव से न्यूट्रल पेयर पे फ्लो होते हैं। आज अगर क्या होता है, दिस टू पेयर गेट चार्ज, कुछ चार्ज यहाँ पे रह गए, इसके ऊपर कुछ चार्ज रह गए, कुछ चार्ज यहाँ भी आ गए, राइट। और हम लोग डेरिवेशन निकाल लेते हैं कितना चार्ज फ्लो होता है एक चार्ज बॉडी से जिस चार्ज बॉडी में, इसका डेरिवेशन हम निकाल चुके थे विद द फॉर्मूला। पर आज हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस क्या था, चार्ज कब फ्लो होता है एक बॉडी से एक बॉडी में, जब दोनों बॉडीज कॉन्टेक्ट में हो, राइट। देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए हाईली चार्ज बॉडी टू ए लो चार्ज बॉडी। जैसे पानी फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल तक, वैसे यहाँ पे भी चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हाईली चार्ज पार्टिकल टू लो चार्ज पार्टिकल, जिसमें चार्ज था न्यूट्रल्स को, राइट। पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्शन, चार्जिंग थ्रू बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा बॉडी चार्ज होगा बट नॉट बाय ए फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो इंडक्शन नहीं, कंडक्शन हो जाएगा, राइट। आओ देखते हैं कैसे होता है। सपोज ये एक मेरा मेटालिक रॉड है, ओके, ये नेगेटिव चार्ज करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज नेगेटिवली चार्ज मेटालिक रॉड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज रॉड, राइट। हम इसको नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, अगर इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दिस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या फिर नेगेटिव चार्ज रॉड, ओके। और ये एक मेरा स्फीयर लेते हैं, जिसे हम लिए थे स्फीयर, थोड़ा स्फीयर से दिखता चाहिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये बनता है मेरा स्फीयर, ओके। ये एक मेरा न्यूट्रल स्फीयर है, क्या है? न्यूट्रल स्फीयर, ओके। व्हाई दिस इज न्यूट्रल स्फीयर? बिकॉज हियर इट हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी न्यूट्रल कब होता है, जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जब एक बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मात्रा सेम होती है तब एक बॉडी न्यूट्रल होता है, ऑब्वियसली ऑल बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। अब हमें इस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज इंड्यूस करना है, चार्ज पैदा करना है, बट नॉट बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक दूसरे को टच किए बिना यहाँ पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा वो हमें देखना है इन दिस टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। तो थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से, आपको देखने में भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, ओके। बेसिकली आवर प्रोसेस इज दैट यहाँ पे हमें चार्ज इंड्यूस करना है, कॉन्टैक्ट में नहीं लाके चार्ज करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल स्फीयर है। अब न्यूट्रल स्फीयर को इसके पास ले आते हैं, इसके पास ले आते हैं, राइट। टच नहीं करवाना है हमें, सिर्फ इसके पास लेके आना, राइट। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पास आता है, एक इसमें न्यूट्रल है बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने हैं, पांच है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई न्यूट्रल, राइट। पर जब हम इस नेगेटिव चार्ज बॉडी या फिर नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके पास लाते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं चार्जर्स में, क्या पढ़े थे, लाइक charges repel each other and unlike charges attract, right? यहाँ पे हम पढ़ चुके थे कि like charges क्या होता है, repel होता है, और unlike charges attract होता है। तो ये कौन सा चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसको मैक्सिमम रिपल्सन देगा, क्या देगा, मैक्सिमम रिपल्सन देगा, जिसके वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, मतलब यहां आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, आपको जानने में आसानी होगी। देखिए वही रॉड है,
और वही है नेगेटिव चार्ज वाला, राइट। तो अब क्या हुआ ना, ड्यू टू दिस, थोड़ा पास ले आता हूँ क्योंकि इतना दूर से तो वो एफ आई डाल ही पाएगा, थोड़ा पास ले आते हैं, राइट। ड्यू टू दिस रिपल्सन ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इससे दूर जा जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जाके इस एंड में सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल रह जाएंगे, जाके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जितने भी स्पीयर में, इस न्यूट्रल स्पीयर में जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से यहाँ से दूर जा जाएंगे, तो मैक्सिमम चार्ज नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पर जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बिकॉज रोलाइक चार्ज रेपेल एंड ऑनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये कौन सा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज, सो इट मस्ट अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू इटसेल्फ। अभी प्रोटॉन को इस तरह अट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे प्रोटॉन इस साइड में आ जाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस साइड में आ जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, राइट। यहां तक हम लोग को समझ में आता है, राइट। नाउ सिर्फ ये लोग रीअरेंज हो गए, पहले ये लोग जैसे भी अरेंज थे न्यूट्रल स्फीयर में, बट आफ्टर दिस नेगेटिव बॉन्ड जब इसके पास लाया गया ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉन फिर से ऐसे यहाँ पे रीअरेंज हो गए, मतलब ये इस एंड से, मतलब हमेशा कहते हैं कि इससे दूर जाने के लिए, तो ये वाला एंड जो है इसके लिए पास वाला है नियर एंड, और ये जो एंड है इससे फार एंड है, दूर एंड है, तो वो अपने आप को रीअरेंज कर दिए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट। नाउ अब क्या होता है देखते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम इसको ग्राउंडिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्थिंग, लाखों बच्चों को, मतलब बहुत बच्चों को क्वेश्चन डाउट होता है कि सर ये अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही बात होती है, राइट। अगर हम इसको अर्थिंग कर देते हैं या ग्राउंडिंग कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे पाथ मिल गया किसको, इलेक्ट्रॉन को, राइट, ताकि वो ग्राउंड पे जा सके, राइट। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ यहाँ पे उससे हमेशा मैक्सिमम रिपल्शन मिलेंगे, दैट्स व्हाई ड्यू टू रिपल्शन ये क्या चाहेगा कि हमेशा इससे दूर जाए, किससे, नेगेटिव नोड से, तो क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ग्राउंड में आ जाएंगे। अगर हम इसको ग्राउंडिंग करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ग्राउंड में आ गए, तो अब इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया, राइट। सो इसे बच्चा क्या है, और ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या फिर प्रोटॉन बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट फिगर क्या करते हैं ना, हम इस ग्राउंडिंग को हटा देते हैं, राइट। अगर हम इसको हटा देते हैं और इसको भी ना, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी ना उससे दूर ले आते हैं, तो इस स्फीयर में सारे इलेक्ट्रॉन तो निकल गए ग्राउंडिंग से, तो बचे क्या है, ओनली 5 प्रोटॉन जो थे, सिर्फ प्रोटॉन ही बचे हैं ना, राइट। तो अब ये स्फीयर न्यूट्रल है, क्या इस स्फीयर भी न्यूट्रल है, ओनली प्रोटॉन ही मतलब प्रेजेंट है इसमें, तो क्या हो गया, इट इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, सही है, अभी तो हमारा नेगेटिव चार्ज रॉड तो था ही, राइट। तो अभी बच्चों आपने देखा कि कैसे नेगेटिव रॉड एक न्यूक्लियस स्फीयर क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट करता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट, इसे कहते हैं इंडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बॉडीज में कॉन्टैक्ट नहीं हुए और फिर भी दिस बॉडी गेट चार्ज, राइट, इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेसिकली हमें ये देखना है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में डिफरेंस क्या हुआ। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में क्या था ना, जो नेचर ऑफ द चार्ज था, इनिशियल चार्ज का जो नेचर था, फाइनल चार्ज का भी वही नेचर था, राइट। पर यहाँ पे इनिशियल चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और फाइनल चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे बात बदल जाती है, राइट। कंडक्शन में क्या था ना, इनिशियल चार्ज नेगेटिव था तो फाइनल चार्ज भी नेगेटिव आता था, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, फाइनल चार्ज यहाँ पे चार्जिंग इंडक्शन को बदल जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, इट इज नेगेटिव चार्ज, राइट, पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ फाइनली वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज था। पर हमारे कंडक्शन में ऑलवेज इनिशियल चार्ज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल चार्ज। बेसिकली देखिए, हम दिखाए थे ना, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर था, राइट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इनिशियल चार्ज क्या था, पॉजिटिव, यहां पे न्यूट्रल बॉडी है, राइट, न्यूट्रल बॉडी था, जब चार्ज ड्यू टू कंडक्शन फ्लो हुआ तो क्या हुआ,
तो पॉजिटिव चार्ज वाले कहां गए, यहां से वहां गए, तो ये भी क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, इनिशियली पॉजिटिव था, फाइनली भी क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। पर यहां पे बात बदल जाती है, यहां पे जो इनिशियल चार्ज था नेगेटिव और जो फाइनल में चार्ज आया दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ इट। इसके लिए हमें इक्वेशन है जो मैं डिराइव किया हूं, मैं आपको भी लिख देता हूं यहीं पे, आपको बस इक्वेशन अभी देखना है और समझना है। क्यू डैक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के, ये वाला डेरिवेशन इक्वेशन आपको डिराइव करूंगा जब मैं आपको कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कैपेसिटेंस जब पढ़ाऊंगा आई विल डिराइव द इक्वेशन फॉर यू। बस तब तक इतना याद रखिए क्यू डैक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के। यहाँ पे क्यू डैक्स क्या है, क्यू क्या है, बेसिक आपको डाउट होगा। तो आ जाते हैं डायग्राम पे आते हैं, ये मेरा नेगेटिव चार्ज रॉड था और ये मेरा न्यूट्रल स्फीयर था, राइट, ये मेरा क्यू था, राइट, व्हाट इज एंड ये मेरा क्यू डैश था, राइट। अब क्यू डैश क्या है, क्यू डैश इज द इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब जो नया चार्ज फॉर्म हुआ, और क्यू क्या है, क्यू था हमारा इनिशियल चार्ज ऑफ द रॉड, राइट। तो यहां पे जो चार्ज फॉर्म हुआ कितना फॉर्म हुआ, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, राइट, कि यहाँ पे जो चार्ज था इस फॉर्मूला देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अभी नया नया आपको हार्ड लग रहा होगा, और बेसिकली मैं बता देता हूँ ये वाला फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करूंगा कैपेसिटेंस में, तो आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे क्यू डैश क्या है, इट इज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द न्यूट्रल स्फीयर, मतलब क्यू डैश क्या है, जो न्यूट्रल स्फीयर में कितना चार्ज डेवलप हुआ, वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था मालूम पड़ जाएगा। और क्यू क्या है, दिस इज द इनिशियल चार्ज ऑन द मेटल रॉड, ओके। अब यहाँ पे चीज गौर कीजिए, क्या लिखा है मैंने, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के। अब देखिए क्यू डैश जो है वो हमेशा क्यू का माइनस आएगा, मतलब ऑपोजिट आएगा। हम लोग का भी यहाँ पे अभी जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, डायग्राम बनाया था, इसमें नेगेटिव चार्ज रॉड था और न्यूट्रल स्फीयर था, बट फाइनली न्यूट्रल स्फीयर वाज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, आया ना, राइट, दैट मींस ये इसका ऑपोजिट है ना, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि जैसे कंडक्शन में हमेशा इनिशियल चार्ज मोस्ट इक्वल फाइनल चार्ज, पर यहां पे इनिशियल चार्ज विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू फाइनल चार्ज। मैं आपको यहां पे इक्वेशन में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, इस के के क्या है बता रहा हूं, देख लीजिए के क्या है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा हार्ड है, तो के तो हम पढ़ चुके हैं, हम लोग के बताएं के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट पढ़े थे ना, राइट, पर यहां पे हम लोग के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है सबके लिए अलग है, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको टेबल में लिख दे रहा हूं के का वैल्यू कितना होगा। सो यहां पे मैंने लिख दिया है कि मीडियम, कौन सा मीडियम में के का वैल्यू कितना होता है, राइट। अब पहला देखिए क्या लिखा है, एयर, एयर मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में के का वैल्यू होती है 1, वाटर में के वैल्यू होती है 18, माइका में 6, ग्लास में के की वैल्यू चेंज हो सकती है 5 से लेके 10 तक, और मेटल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमेशा इनफिनिट, राइट। अब सपोज यहां पे अच्छी चीज देखते हैं हम लोग को, सपोज हम लोग ये वाला इक्वेशन हम लोग बेस करते हैं मेटल के ऊपर, सपोज हम लोग का एग्जांपल भी जो था, जो हमारा जो रॉड था वो मेटल का होना चाहिए, और जो स्पियर लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज रॉड जो लेते हैं मेटल होना चाहिए, और जो स्पियर लेते हैं वो भी मेटल का होना चाहिए, राइट। अब अगर दोनों ही रॉड और स्पियर दोनों मेटल है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारा इक्वेशन, राइट। नाउ क्यू डैश इज द इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाय, क्या वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, इंफिनिटी, दैट इंप्लाइज क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, ये वाला सिर्फ मेटल के केस में ही एप्लीकेबल है, राइट। दैट मींस अगर हमारा मेटालिक रॉड जो लिए थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर वो हमारा मेटल से बना हो, मेटालिक रॉड हो, और जो स्पियर हमने लिया था न्यूट्रल स्पियर वो भी मेटल का हो, राइट, तो यहां पे ये न्यूट्रल स्पियर जो हुआ था उसमें चार्ज कितना इंड्यूस होगा, माइनस ऑफ क्यू,
ऑलरेडी माइनस ही है, तो माइनस और माइनस कितना होता है प्लस क्यू, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। ये हमें इस इक्वेशन से भी हम लोग को डिराइव हो रहा है, राइट, कि इस मेटल न्यूट्रल स्फीयर में भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और ये जो चार्ज है ऑलवेज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड, मतलब इनिशियल चार्ज का मैग्नीट्यूड से हमेशा इक्वल होता है। और बेसिकली आप एक चीज मैं बता दे रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा कि क्यूडेक्स इन मेटल केस इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, मतलब इंड्यूस चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, पर क्यूडेक्स विल नेवर बी ग्रेटर देन क्यू, ये वाला कभी भी वैलिड नहीं होगी। जो इंड्यूस चार्ज है वो कभी भी इनिशियल चार्ज से बड़ा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, और सिंस वी डिस्कस चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। सवाल वही है, क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? आपके सामने दो ऑप्शन है, यस और नो, तो ये क्या हो सकता है, हाँ या ना, राइट। ऑब्वियस हम पढ़ चुके हैं, सपोज ये चार्ज बॉडी लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे मैं लेता हूं पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, और ये मेरा एक न्यूट्रल बॉडी है, जिसे न्यूट्रल बॉडी, ए बॉडी सेड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल जब इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो, दैट मींस इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम मात्रा में, सेम बॉन्ड में, मान लेते हैं कुछ चार इलेक्ट्रॉन है, चार प्रोटॉन है और चार इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं, राइट। अब बताइए क्या ये चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, क्या एक चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, हाँ या ना। हम लोग पढ़े लाइक चार्ज रेपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, दोनों के बीच रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो उसके लिए चार्ज बॉडी चाहिए ना, राइट। अगर दो बॉडी चार्ज नहीं है तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। जब ये दो बॉडी एक दूसरे के पास आएंगे तो मैंने कहा था ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्या बना ये बॉडी चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रो रिपल्सन सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, यहाँ का जाएंगे इस बॉडी के, ये बॉडी में फिर से रियलाइज हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ पे रियलाइज हो जाएंगे, और सॉरी सॉरी गलत बोला, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है जब ये न्यूट्रल स्फीयर इसके पास आएगा, राइट। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इससे दूर जाना चाहेंगे, राइट, दे विल वांट टू गो मैक्सिमम रिपल्सन फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, और सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, ड्यू टू अनलाइक चार्ज रेपेल और अट्रैक्ट लाइक चार्ज रेपेल्स। अब ये बॉडी क्या हुआ, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या हुआ नेगेटिव चार्ज है, अब ये दोनों के बीच क्या हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है ना, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज आर ऑपोजिट चार्ज, सो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, हाँ। अब हमारा ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ड्यू टू दिस प्रेस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, आंसर क्या होता है यस। अब एक डाउट है सर, तो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी भी आल्सो अट्रैक्ट ए पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बॉडी, हाँ राइट। सो फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। सो द सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, बट प्रीवियस क्वेश्चन द क्वेश्चन वाज कैन ए चार्ज ऑफ बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, राइट, बट हियर द क्वेश्चन इज कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए सिमिलर चार्ज बॉडी। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए, सुन लीजिए, कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए सिमिलर चार्ज बॉडी, राइट, दैट मींस क्या एक चार्ज बॉडी सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ के आप सबको आंसर वही होगा कि नो, राइट, बिकॉज हम लोग पढ़े हैं लाइक चार्ज रेपेल, यहाँ पे क्या कुछ पूछा है कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए सिमिलर चार्ज बॉडी, मतलब क्या दो
सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम तो पढ़े, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्ज रेपेल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। आंसर क्या होगा? नो, बट दिस इज रॉन्ग, राइट। यहाँ पे हमें फोकस अलग जगह करना है, यहाँ पे अलग होने वाला है, राइट। देखिए ध्यान से, आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है सिमिलर चार्ज बॉडी क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे और एक कंडीशन भी है, राइट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक प्लस बॉडी और एक प्लस बॉडी को लेके आएंगे तो दे विल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। पर लॉजिकली यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। थिंक, सपोज मैं एक बड़ा सा बॉडी लेता हूं, राइट, एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, सपोज मैं एक बड़ा सा बॉडी लेता हूं एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, ओके। और यहां पे और एक छोटा सा बॉडी लेते हैं, राइट, और इसको भी हम क्या चार्ज करेंगे? पॉजिटिव चार्ज करेंगे। कौन सा चार्ज इसमें? पॉजिटिव चार्ज है। नाउ दिस टू बॉडीज आर सिमिलर चार्ज एंड यू विल से दैट दिस टू बॉडी विल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज इन आवर इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़े हैं कि लाइक चार्ज हमेशा क्या करता है? रिपेल करता है, अट्रैक्ट कभी नहीं करता, राइट। हाँ या ना? बट समझो क्या होता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर या भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसमें कहीं लिखा है क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है कि ऐसे नहीं होंगे? इज इट नेसेसरी दैट ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? दैट मींस इन ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी वी मे कंटेन इलेक्ट्रॉन आल्सो। अब देखो बेटा यहां पे देखो, सपोज ये एक बॉडी है, राइट, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें तीन प्रोटॉन और तीन इलेक्ट्रॉन है, राइट, न्यूट्रल है। अगर इसमें मैं प्रोटॉन की मात्रा बढ़ा देता हूं तो ये बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। बट क्या इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन नहीं है? है ना, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। जब एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लाया जाएगा तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सारे पॉजिटिव जो पार्ट, जो यहाँ पे जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बॉडी है ना, तो इसके मैक्सिमम चार्ज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे और वो यहाँ आ जाएंगे, और जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, राइट। इस पॉजिटिव बॉडी में मैक्सिमम क्या है? पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, वो लोग एक दूसरे से इससे रिपल होके दूर रहने जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना वो यहाँ पे आ जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, राइट। इसके एफेक्ट से ये बड़ा सा जो पॉजिटिव स्फीयर था ना, हमारा बॉडी था, इसके एफेक्ट से इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, अपने आप को रीअरेंज कर देंगे, और जो प्रोटॉन होंगे वो जो यहाँ पे अपने आप को रीअरेंज कर देंगे, राइट। ड्यू टू दिस बिग बॉडी इसका अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। क्यों हुआ? बिकॉज पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी था, देखो पहले तो ये बॉडी क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम क्या थे? प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, राइट, ये पहले ऐसा था। बट जब हम इसके पास इसकी बॉडी का इफेक्ट यहाँ पे गिरा तो क्या हुआ ना, सारे प्रोटॉन एक जगह पे रह गए और वो जगह कौन सा था? इससे जो जगह दूर हो वो उस जगह पे रहे जो जगह इससे दूर हो, राइट, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, जो बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इस जगह पे आके रह गए और इस बॉडी नेगेटिव पार्ट जो थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो अपने आप को इस जगह पे रीअरेंज कर दिए। अब बताओ अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि नहीं? बिकॉज दिस बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज और ये पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इसमें प्रोटॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन दोनों के बीच आपको क्या दिख रहा है? अब यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंड हम पढ़े हैं ऑपोजिट चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई। अब हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा? यस ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए सिमिलर चार्ज बॉडी। कंडीशन क्या है कि एक बॉडी एक बड़ा सा चार्ज बॉडी होना चाहिए, राइट, जिसका एफेक्ट इस पे गिरे, ताकि क्या हो कि जो इसके जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हुआ? वो अलग एंड पे रह गया, राइट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन। इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज के एफेक्ट से इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस एंड पे चला गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्शन, जिसके वजह से सारे नेगेटिव पार्ट आके कहां पे रीअरेंज हो गए? यहां पे आके वो रीअरेंज हो गए, जिसके वजह से अब इस प्लस और इस माइनस के बीच हम लोग एक अट्रैक्टिव फोर्स दे सकते हैं।
आंसर क्या होगा? यस। सो कम टू अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन कहा है एम इज ए वेरी लार्ज पॉजिटिव चार्ज शीट। एम क्या है? बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, लास्ट शीट बोल सकते हैं, बॉडी बोलेंगे एक ही बात, राइट। एंड ए एंड बी आर टू मेटल प्लेट्स शोन इन द फिगर। ए और बी क्या है? दो मेटल प्लेट, दैट मीन्स ए एंड बी आर नाउ न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, राइट। नाउ शोन द फिगर, देन यहां पे अब क्या होगा? एम अट्रैक्ट्स ए, एम अट्रैक्ट्स बी, ए अट्रैक्ट्स बी, ऑल ऑफ अबव। हम आते हैं अभी आंसर पर, ठीक है। एम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एम के पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इसके आउटर सरफेस पे भी कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव होंगे, बिकॉज मैंने कहा था ना, होल्स या इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, वो हमेशा एक दूसरे से ज्यादा दूर ना जाते हैं, वो हमेशा सरफेस पे ही रहते हैं। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ए पे ए में ए न्यूट्रल है, राइट। इसमें ए में चार प्रोटोन होंगे, सपोज मान लो ए में चार प्रोटोन है और चार इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ए इज न्यूट्रल, राइट। अब ए ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इसके इफेक्ट से ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे वो ए में, इसके इफेक्ट से कहां जाएंगे? वो इस एंड पे आ जाएंगे, राइट। दे विल कम हियर, चार प्रोटॉन यहां आ गए, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। नाउ अब ए ऐसे दिखेगा देखो तुम्हें, राइट। अब दिस ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज पेयर, अब बी भी न्यूट्रल था, उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन भी थे, इलेक्ट्रॉन भी थे, बट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी में भी यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके वजह से रिपल्शन की वजह से सारे प्रोटॉन अब यहां पे आ जाएंगे, राइट। अब यहां पे क्या होता है? अब देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी बड़ा है बॉडी एम, और नेगेटिव पार्ट जो है ए का ऑपोजिट चार्ज बॉडी है, ऑपोजिट चार्ज है। अब ये क्या होगा? एम विल अट्रैक्ट ए, अब ये सही दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं एम अट्रैक्ट ए, राइट, ये सही है, राइट। अब उसके बाद देखिए ए में कौन चार्ज है? पॉजिटिव, और बी का यहाँ पे कौन चार्ज है? नेगेटिव। अब ये दोनों ऑपोजिट चार्ज हुए, राइट, दैट मींस ए अट्रैक्ट बी, ये भी सही है, ए अट्रैक्ट बी, ओके। अब एम अट्रैक्ट बी, ये सही है, क्या एम बी को अट्रैक्ट कर पाएगा? कर पाएगा, यस, ये कर पाएगा, बिकॉज एम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसके इस एंड में क्या है? पॉजिटिव है, बी का एंड में क्या है? नेगेटिव है, राइट। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इतना बड़ा पॉजिटिव है, तो ये इसको यहाँ पे इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे क्या करेगा, ये बी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, राइट। अगर ये बॉडी इतना बड़ा नहीं होता तो यहाँ पे एम कैवर नेवर अट्रैक्ट बी, बट ड्यू टू दिस बिग बॉडी इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है इतना बड़ा है कि एम कैन नाउ अट्रैक्ट बी, तो ये भी सही है। तो अब हमारे इस क्वेश्चन से आसान निकलता है, M can attract B, because यहाँ देखिए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, M attract कर सकता है A को, A attract B, ये भी सही है, because यहाँ पे दोनों में चार्जेस देखिए ऑपोजिट चार्ज है, तो A attract B, पर यहाँ पे जो M attract B हुआ, because M क्या है? बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इसके इफेक्ट से B में जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज हुआ, ये इसको attract कर पाएंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बट अगर हमारा M अगर इतना बड़ा बॉडी नहीं होता तो ये वाला आंसर कभी मैच नहीं करता, बिकॉज M, सिंस M इज ए वेरी बिग वेरी लार्ज पॉजिटिव चार्ज शीट, सो इट हैज द इफेक्ट टू अट्रैक्ट B टुवर्ड इट। अब M कैन अट्रैक्ट A, M कैन अट्रैक्ट B, एंड A कैन आल्सो अट्रैक्ट B, सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है ना, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सो इट इज ऑल फॉर द चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।